जैन आचार्य संत काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या के विरोध में 20 जुलाई को आज खनिया थाना में बाजार को बंद रखा गया। इस दौरान ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने सहित जैन मुनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज और 1884 क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज एवं सनातन समाज खनिया थाना द्वारा प्रभारी तहसीलदार प्रमोद सिंह तोमर को राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। तहसील पर एक ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया है? तहसील पर ज्ञापन कर्नाटक के बेलगांव में जैन मुनि जी की जो नृशंस हत्या की गई उसके विरोध स्वरूप संपूर्ण खनिया थाना के अंदर बामौर क्षेत्र में एक ज्ञापन दिया गया है तहसीलदार महोदय के माध्यम से, जिससे राष्ट्रपति जी को भी पहुँचे, प्रधानमंत्री जी को भी पहुँचे और कर्नाटक सरकार को भी पहुँचे, जिस पर उचित से उचित ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी में एक न्याय व्यवस्था कायम हो सके। आज खनिया थाना नगर में बाजार बंद का भी आह्वान किया था। बाजार बंद खनिया थाना में ही नहीं, अधिकांश भारत देश के अंदर बाजार बंद किया गया था। एक सर्व समाज ने एक ज्ञापन दिया है तहसील आकर, क्या ज्ञापन है? चूंकि मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के बेलगांव के पास एक चिकोड़ी गांव है, वहाँ पे एक जैन संत काफ़ी समय से धर्म आराधना कर रहे थे, लोगों का कल्याण कर रहे थे। उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में बहुत से कार्य कराए, गरीबों को शिक्षा दी, अन्यथा आदि बहुत सारे कार्य कराए, परंतु कुछ आतताइयों के माध्यम से 5 जुलाई को उनकी निर्मम हत्या कर दी और हत्या करने के साथ उनके बेरहमी से शरीर के उनके बहुत सारे टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिए। यह पूरे देश की समाजों के लिए, मात्र जैनों के लिए नहीं, क्योंकि संत जो होते हैं वो पूरे भारत के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, वो किसी संप्रदाय और जाति के नहीं होते, परंतु जो ऐसे ये कृत्य हुआ है इसलिए आज सर्व समाज ने यह निर्णय लिया है जैन समाज के साथ कि 20 तारीख को संपूर्ण भारत में अपितु खनिया थाना में भी पूरे दिन हम बाजार बंद कर इस बात को आंदोलित करेंगे कि इस तरीके की जो कार्यवाही है वो भविष्य में हो ना हो और जो आतताइयों के माध्यम से इस तरीके का कार्य किया गया है वह कार्य की सजा उन्हें अवश्य मिले, इसलिए हमने बाजार बंद किया है। तहसील में आकर ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन है? इस ज्ञापन के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि यह ज्ञापन एक भारत देश की पृथ्वी धरती पर एक संत की हत्या, वह भी हत्या नहीं ऐसी निर्मम हत्या जिसको देख करके आम आदमी का दिल दहर उठेगा। ऐसे संत के पहले हाथ पैरों को काट दिया गया, उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया। इस कृत्य को देखकर मात्र जैन समाज ही नहीं बल्कि यह देश में रहने वाले प्रत्येक समाज के लिए यह कृत्य इतना घिनौना लगा कि उन्होंने यह आंदोलन करने का विचार किया। आज हम अहिंसा के माध्यम से, क्योंकि हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, नहीं चाहते किसी की प्रकार की हिंसा हो, नहीं चाहते कि किसी प्रकार का नुकसान हो, क्योंकि जो भी नुकसान होगा वह भी हमारे देश का होगा, जो भी अहिंसा हिंसा होगी वही भी हमारे किसी देश की होगी। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का हिंसा किसी प्रकार का देश हो, बल्कि हम यह चाहते हैं कि साधु की निर्मम हत्या हुई है यह मात्र जैन समाज के साधु की नहीं बल्कि सकल पृथ्वी पर विचरण करने वाले उन संतों की हत्या है जो कि हमें उपदेश देते हैं हमारे भविष्य के साथ, जो लोग उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ऐसे ही साधु जो कि अपने घर परिवारों को छोड़ करके निर्जन वन में नंगे पैर चल करके अपने हाथों में भोजन करते हैं, वह भी भोजन हम और आपके द्वारा उन्हें दे दिया जाता है तो कर लेते हैं, बल्कि नहीं तो वह महीनों तक भूखे ही रहते हैं। ऐसी संतों की हत्या करना एक कितना जघन्य अपराध है। मैं उन अपराधियों को सजा मिले, कठिन से कठिन सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि आइंदा आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने के लिए घबरा जाए, ऐसे में निवेदन करता हूँ। आज माननीय SDM साहब, माननीय तहसीलदार साहब के माध्यम से हमने यह ज्ञापन दिया है कि हमारा ज्ञापन हमारे उच्च जो पदाधिकारी हैं, उच्च नेतागण हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उन तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि आज मात्र खनिया थाना ही नहीं अपितु सारा पूरा भारत देश आज 20 तारीख को बंद है और इस बंद के यही बंद का यही कारण है कि हमारे देश में होने वाले संतों की सुरक्षा हो, रक्षा हो, और इसी भावना के साथ हम देने आए हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ नगर के समस्त समाज के लोगों को जिन्होंने आज हमारे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग दिया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र हूँ। सभी लोगों को मेरा जय जिनेन्द्र, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय जिनेन्द्र। हमारे यहाँ दो ज्ञापन आए, एक समस्त सनातन दिगंबर जैन समाज के द्वारा दिया,
दूसरा समाज दूसरा दिया है 108 84 क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज, ये दो ज्ञापन दिए हमको इकट्ठे, और वो इस संबंध में दिए हैं कि जैन मुनि आचार्य जो है राम कुमार नंदी जी महाराज, उनका निर्मम हत्या हुई थी, उसके संबंध में उन्होंने बाजार बंद रखा था आज, और अभी बाजार बंद है काफ़ी मात्रा में, और इस बाजार बंद करने की सूचना उन्होंने हमें पूर्व में भी दी थी, तो हमने उसके लिए भी देखा और उसकी सूचना हमने बजट को भी भेजी थी। इनके ही मांग है कि जो उनकी निर्मम हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच हो, और इस तरीके से जो संतों की हत्याएँ हो रही हैं वो रोका जाए, और जो करता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि ये समाज वैसे भी अहिंसक माना जाता है और फिर भी इस समाज के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो अन्याय तो जायज है, ये गलत हुआ है तो उसका कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों को ये ज्ञापन की कॉपी भेजेंगे और एसडीएम साहब को भी सूचना कर रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, और इसमें इन्होंने कॉपियाँ दी रक्षा मंत्रालय कर्नाटक सरकार के लिए भी, गृह मंत्री के लिए भी, मुख्यमंत्री के लिए भी, सबके लिए इन्होंने कॉपियाँ दी हैं, तो इसकी हम कॉपी एसडीएम साहब की ओर भेजेंगे, वो सब जगह सर्कुलेट करेंगे, तो सभी समाज को सभी प्रशासनिक उसको सूचना करेंगे। खन्याथाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।